अगर मुझे कोई सब्जेक्ट लगेगा जिस सब्जेक्ट में लगेगा कि ये खेसारी के लायक सुटेबल है और खेसारी को लगेगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। नहीं, मैं चीटा कसी तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि चीटा कसी हो। जहाँ से मैं हूँ कोई अमेरिका में नहीं है खेसारी को लाइक नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं चिंटू पांडे अगर पिक्चर करते हैं वो डिजर्व करते हैं, अपनी फिल्म करते हैं। जो लोग भोजपुरी भाषिक नहीं है या जिनका जन्म भोजपुरी वाले उस बेल्ट में नहीं हुआ है, उन्हें भोजपुरी का ज्ञान नहीं है, भले ही उन्होंने 10-20-50 फिल्में बना ली हों। सीधे सीधे तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि आप भी उसी बेल्ट से आते हैं और आपको ही टारगेट किया गया था, अब आप अपनी बात तक रखें। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई बात नहीं होती है। अगर कोई ये कहता है तो वो मुझे लगता है वो उसके सोच तक, उसके लिए वो हो सकता है बहुत अच्छा कह रहा हो लेकिन मुझे लगता है कि वैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ से वो पूर्वांचल वाला जगह शुरू हो जाता है जी। तो और जहाँ से मैं हूँ कोई अमेरिका में नहीं है, वो यूपी में ही है जी। अगर आप भाषा की बात करेंगे तो बिहार में ही एक ही जगह पर या यूपी के अंदर कई भाषाएं इन दोनों स्टेट्स के अंदर बोली जाती हैं, जिसमें अगर बिहार में देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत मैक्सिमम बेल्ट है जहाँ मैथिली बोलते हैं लोग। लेकिन जैसे सीतामढ़ी वगैरह है, बरगनिया है, क्या नाम है आपका, इस तरफ जो है घोड़ासान, इस तरफ मतलब जो लोग हैं मैक्सिमम लोग भोजपुरी भी बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर उस तरफ मैथिली भी बोली जाती है। और वहाँ फिल्में बहुत चलती हैं हमारी, मतलब सीतामढ़ी का आप बहुत बड़ा बड़ा कलेक्शन होता है। तो ये कह देना कि फिर तो ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोग चूँकि भोजपुरी नहीं बोलते हैं तो उनको भोजपुरी फिल्म तो फिर वो उनको तो चाहिए कि हमको भोजपुरी अब देखनी ही नहीं चाहिए, जबकि वो देखते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। कलाकार की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप जहाँ से जन्म लेते हैं, जहाँ से पैदा होते हैं, जो आपकी मिट्टी हो आपकी भाषा है और उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे की इज्जत करते हैं। मेरा सवाल यह है, आपने कितनी फिल्में की हैं अब तक? मैंने निर्माता निर्देशक के तौर पे मैंने निर्मित किए पिक्चर है कुछ 14-15 और निर्देशन मैंने किया है कुछ 45 फिल्म का किया, मतलब 100 के आसपास का कुछ आंकड़ा हो सकता है। म्यूजिक वगैरह अगर मैं पकड़ लूँ इसमें, अब हिंदी टीवी सीरियल्स भी और हिंदी में भी काफ़ी कुछ काम किए हैं, तो किया तो बहुत सारा है। तो अगर कोई आपके सिनेमा की समझ को 100 फिल्में करने के बाद भी अगर कोई आपके सिनेमा की समझ को चैलेंज करता है, चुनौती देता है, तो आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि उसका कारण यह है कि हर आदमी अपने हिसाब से आपको वो आकलन देता है जी। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को लगता है कि इनके लिए आकलन है तो हो सकता है उसके हिसाब से अच्छा हो, वो उसका अपना परसेप्शन है। डेमोक्रेसी है यहाँ, हर आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी है। हाँ, लेकिन थोड़ा ये होता है कि आप जो भी बातें अगर कहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सार्थक हो और थोड़ी सी ऐसी बातें हों जो उस चीज़ को बिलीव करा सके कि ये है, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं। फिर तो अगर खेसारी लाल ने कहा कि इंडस्ट्री हम तीन लोगों के बल पे चलते हैं तो फिर आप लोगों को क्यों बुरा लगा, फिर उस बात में गलत क्या था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि उनकी वजह से ये उसने मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि ये बोला है इस वजह से जी। उसके बाद की जो सारी टिप्पणियाँ थी मुझे वो ख़राब लगा था। जैसे बहुत सारी ऐसी टिप्पणी थी जब उसमें वो मतलब बातें आती गई। और होता क्या, देखो ये अगर हम लोग एक फैमिली के मुखिया हैं, मान लेते हैं कि हम सीनियर हो गए, हमको कहा जाता ना कि ये लोग सीनियर हो गए या ये भूतपूर्व हो गए या ये पुराने हो गए, तो पुरानों का मतलब है घर का मुखिया, यानी इंडस्ट्री के मुखिया हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोई उस तरह का या घर के परिवार का कोई बच्चा या कोई भाई कोई व्यक्ति कोई परिवार का मेंबर अगर कुछ कहेगा जो बात लगता है कि ये बात सामाजिक स्तर पर ठीक नहीं है, या हो सकता है ये कह रहा है ये बातें हमारे से, तो हम वहाँ टोकेंगे तो ज़रूर। तो वो टोकने का अधिकार हमको लगता है कि हम सबको है, और अगर कोई एक बात कह सकता है तो दूसरे व्यक्ति को उसके खंडन करने का भी अधिकार है जी। ऐसा नहीं कि आप उसको उसके खंडन करने से उस बातों को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन तो आपने जब टोका, आपने कहा कि हमें टोकने का अधिकार, आपने टोका, मतलब आप ये मानते हैं कि खेसारी लाल ने जो कहा था वो सही बात नहीं कही थी इसीलिए आपको टोकने की जरूरत पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं था। जब आप 10 बात करते हो तो उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे बात उस वक्त अच्छे निकल रहे होते हैं, उसमें कई बातें ऐसी होती ना कि जब हम कुछ बातें, जैसे मान लीजिए एक आदमी बहुत खुश हो गया जी। अब खुश होकर वो बोलना शुरू कर दे, हो सकता है 2-4 बातें उसमें से बहुत अच्छी या अच्छे जोक्स ना भी हों या बहुत अच्छी बातें ना भी हों, और कोई आदमी बहुत नाराज़ हो गया किसी को बोलना शुरू हो गया तो हो सकता है कि 2-4 बातें नाराज़गी में उसकी अच्छी ना हो। तो वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से लगा। मैं अगर बताऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी को लाइक नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं खेसारी को हमेशा, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई नागिन और मेरी पिक्चर बहुत बड़ी हिट थी, मैंने डायरेक्ट किया, क्या नाम है फिल्म का, नाम था खून भरी मांग, इज़ अ गुड एक्टर। मैं हमेशा बोलता हूँ, इवन टाइम की पंक्चुअलिटी, मैं 2-3 एक्टर जो हैं
जैसे दिनेश लाल यादव जो बहुत मैं जिनको दिल से लाइक करता हूँ, उनका कारण है बहुत संजीदा आदमी है। सेट पर उनका जो माहौल होता है, जो वातावरण जो रखते हैं, क्योंकि अगर वो हीरो नहीं होते तो शायद मैं सास सहेलियाँ नहीं बना पाता। उन्होंने पूरे माहौल को सेट को अच्छा रखा। इवन पवन के साथ मैंने इतनी पिक्चर बनाई है या बाकी लोगों के साथ बनाई हैं तो मुझे कभी इस तरह से नहीं रहा। टाइम की भी अगर खेसारी की भी बात करो तो सुबह मैं 9 बजे की शिफ्ट शुरू करता था तो वो 8 बजे 8:30 बजे अगर मैंने कॉल टाइम दिया तो वो भी आया हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं आया हुआ है, और पूरा मेहनत किया है। और एक डेडिकेशन जो मैं पहले भी बोला था अभी भी बोलता हूँ, मुझे इवन अच्छा लगता है कि वो शूटिंग के अलावा भी मेहनत करना, गाने बनाना, ये करना वो करना, वो लगा रहता है तो ठीक है ना। बट मतलब लेकिन मुझे लगता है कि बी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, बी पार्ट ऑफ द फैमिली, टुगेदरनेस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए अच्छा अखलाक होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं है। नहीं वो पता नहीं, वो कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लग रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट। वो होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, दुख सुख का साथी होना चाहिए। देखिए हमारे जो हीरो होते हैं ये इस इंडस्ट्री के वो इंजन होते हैं, वो पिलर्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों को लोग शक्ल से नहीं जानते हैं। हमारे हीरोज़ हमारे उन जो रोल मॉडल्स होते हैं, हमारे होते हैं जो चेहरे होते हैं, उनके थ्रू पूरी इंडस्ट्री को लोग जानते हैं। तो वो किस तरह से रूट देते हैं, कैसे हमें प्रेजेंट करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम फिल्मों में अच्छा उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर किसी को प्रेजेंट करना है तो ये एक एक्टर सुपरस्टार्स जो हमारे होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उनके हाथ में। लेकिन आजकल प्रेजेंट तो राजकुमार पांडे अपने बेटे चिंटू पांडे को ही कर रहे हैं। नहीं वो फिल्म के अंदर, फिल्म के अंदर बाकी आर्टिस्ट को छोड़ दिया है। नहीं छोड़ कहां दिया है, अब कोई काम नहीं, बाकी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आरोप है कि आप अपने बेटे को आजकल प्रमोट कर रहे हैं चिंटू पांडे को। हाँ। आप चिंटू पांडे को ही प्रमोट कर रहे हैं, बाकी लोगों को साथ आप फिल्में नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? जो ये कह रहा हो ना कि मैं उसको नहीं लेकर फिल्म बना रहा हूँ, उस एक एक्टर को आप बात करो जी, बोलो कब का डेट रखता है, मैं उस जिस मूड का पिक्चर चाहता है, जैसा पिक्चर चाहता है, मैं उसको बनाने के लिए तैयार हूँ जी। लेकिन उसमें चिंटू पांडे भी होंगे? नहीं बिल्कुल नहीं होंगे, जरूरत नहीं है। चिंटू पांडे अगर पिक्चर करते हैं वो डिजर्व करते हैं, अपनी फिल्म करते हैं, दूसरा एक्टर है। वहाँ कभी लगा कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसमें सभी हों, और अगर सभी कंफर्टेबल होते हैं तो वो ज़रूर हों, अगर वो चाहते हैं तो, जैसे मैंने कहा कंफर्टेबल। लेकिन अगर ऐसा कोई आरोप लगाना चाहता है कि मैं सिर्फ मेरे बेटे को प्रमोट कर रहा हूं, तब तो मैं पांचाली बना रहा हूं जिसमें 5 नए लड़कों को लेकर फिल्म बना रहा हूं, सारे नए लड़के हैं, तो मुझे तो फिल्म बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो लड़के एकदम मुतो, लड़के ऐसे हैं जो गरीब घर के लड़के हैं, जो लड़के मेहनत कर करके अपने आप को स्टंट किए, तो मुझे लगा यार इनको लगा एक पिक्चर बनानी चाहिए। कहा तो ये भी गया कि आप बार बार दुल्हन लेने अपने बेटे को पाकिस्तान भेज देते हैं, आपको सेना के जवानों की गोलियां नजर नहीं आती जो सीने पे खाते हैं, उन्हें लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? क्या दुल्हन में ऐसा क्या खास है जो बार बार दुल्हन ही लाई जाए? सेना का दर्द क्यों नहीं महसूस करते हैं राजकुमार आर पांडे? नहीं, मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आप मेरी फिल्म जो आ रही दुल्हन से पाकिस्तान से 2, आपको सेना का बहुत जो मतलब अंदर का जो दर्द है, जो पेन है, जो पिताओं से, वो नज़र आएगा। दुल्हन तो एक टारगेट है, एक टाइटल है, लेकिन उस टाइटल के अंदर जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा दर्द भरा होता है। वो है वो हमारे अंदर की जो आग होती है ना हिंदुस्तानियों की पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आप देखो ना आए दिन एक एक लोग यंग लड़के शहीद होते हैं, बहुत दुख होता है देख के। और इसी पर मैं बल्कि आपको बताऊं, मैं ये पहला चैनल आपका है जिसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी अगले डायरेक्शन की फिल्म होगी उसका टाइटल शहीद होगा जो मैं बना रहा हूं। अच्छा, शहीद आपने बताई हमें। हाँ। सर जो कुछ भी डिफरेंस चल रहा है आपके बीच, मुझे पता नहीं है भी या बनाया जा रहा है आपके और सुपरस्टार खेसारी लाल के बीच में, जैसा कि खबरें हैं कि डिफरेंस हो रहा है और वक्त वक्त पे पता भी चल रहा है, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की या खेसारी जी ने कोशिश नहीं की चलिए फोन कर लें या बात कर लें कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हम एक ही परिवार के लोग हैं और क्यों आपस में एक दूसरे पर छींटाकशी करना? नहीं, मैं छींटाकशी तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि छींटाकशी हो, मैं करता भी नहीं हूँ। मैंने अगर कहीं देखो, नहीं आपने इस मामले को सुलझाने की कोई अपनी पहल अपनी तरफ से की? मैंने अभी तक तो नहीं की है, लेकिन ये है कि अगर ऐसा देखो, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, मेरे लिए जैसे चिंटू वैसे मेरे लिए खेसारी भी है, मेरे लिए कोई अलग नहीं है, वो इज़ अ लविंग एक्टर और ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कुछ लोग होते हैं ना जो बढ़ा चढ़ा के उसको प्रेजेंट करते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं। मैं तो बल्कि ये इनका जो चैनल है ये वाकई बहुत मशहूर चैनल है, लोग देखते हैं और आप लोग भी देखिए, और बाकी जितने ये जो लोग होते हैं ना वो उनके ऊपर मत जाइए, जो वीडियो क्लिप लगा के और पता नहीं क्या क्या कहाँ का इंटरव्यू कहाँ लगाते हैं और 50 आग लगा देते हैं, और हमारे जो कुछ लोग होते हैं जो दर्शक होते हैं उनको लगता है कि ये सही है, लेकिन हर वक्त बात सही नहीं होती है।
हाँ लेकिन कई बार होता है कि अगर कोई चीज़ है भी तो ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी, इतना कौन सा ब्लंडर हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग जो बना चना के प्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा ब्लंडर नहीं होता तो खेसारी जी इंटरव्यू में ये क्यों कहते हैं कि वो लोग जो गोंडा से हैं, जिनको भोजपुरी पता नहीं है, जो भोजपुरी भाषिक नहीं है, जो गोंडा से आते हैं जहाँ भोजपुरी बोली नहीं जाती है, उधी बोली जाती है, वो लोग हमारी फिल्मों के बारे में, वो लोग हमारे बारे में कमेंट कर रहे हैं, वो लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, अगर ब्लंडर नहीं होता तो यूँ क्यों कहते हैं? वो बाद में आए हैं, पहले हम आए हैं। और उनको अगर हो सकता है, उनको लगता हो कि ऐसा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी और फिर ज़रूरत है रिसर्च करने की, थोड़ी सी ज़रूरत है उसको जानने की। और मुझे लगता नहीं कि अवध पे, तो मैंने कहा ना कि फिर तो एक ही प्रांत में 50 भाषाएं हैं, हम लोग अमेरिका से नहीं हैं, हैं यूपी से ही हैं, बिहार से ही, तो अगर उस प्रांत के अंदर मगही है, मगधी है, अवधी है, कितना कितनी भाषाएं, क्या किस किस को अपन डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। खेसारी लाल के साथ आने वाले वक्त में कोई फिल्म करना चाहेंगे राजकुमार आर पांडे? 100% अगर मुझे कोई सब्जेक्ट लगेगा, जिस सब्जेक्ट में लगेगा कि ये खेसारी के लायक सुटेबल है और खेसारी को लगेगा कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए, तो डेफिनेटली क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरे लिए हर एक्टर मेरे उसकी तरह है, मैं मिट्टी की तरह है, गढ़ के मुझे किस तरह उसको खूबसूरत दिखाना है वो हमने किया सबके साथ। ऑलरेडी तो बनाई ही पिक्चर, मैं तो अभी साल दो साल में बनाई कितनी, दो पिक्चर तो बनाई है मात्र मैंने, उसका ना पिक्चर, वरना मैं पांच पिक्चर करता। 2010 में मैंने 5 पिक्चर डायरेक्ट की, देवरा बड़ा सतावेला रवि किशन, पवन सिंह चिंटू, लहरिया लुटा राजा जी रवि किशन, क्या नाम है मनोज, ट्रक ड्राइवर में अगेन पवन सिंह और चिंटू, तो हाँ भैया के, तब छोटे थे चिंटू, भैया के ससुराही में वो विजय लाल यादव, उनके लिए हमने बनाई। तो ऐसी बहुत फिल्में रही हैं, मतलब इवन दिनेश जी के साथ सारी पिक्चर बनाई, तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि ये जो हमारे दूसरे स्टार्स भी हैं, ये लोग भी बहुत बिजी रहते हैं, अलग अलग फिल्में इनकी आती रहती है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाओ, क्योंकि अगर उनको लेकर आओ तो फिर उनके जैसा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको। जिस विधा के वो मास्टर हैं, जो अच्छा करते हैं, वो अगर एक एक्शन हीरो तो उसके लिए एक्शन, एक रोमांटिक हीरो तो उसके लिए रोमांस, एक अगर ड्रामा कर तो वो, तब सब्जेक्ट आता है ना, तो फिर उसके लिए हीरो, उसको सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं।